गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन कालर कथा, एक राज्य जने प्रतापी और दानी राजा थिले। राजा प्रत्येक गुरुवार दिन व्रत रखी थांती एवं भुकिला और गरीब लोक दान दे पुण्य अर्जन करी थांती। किंतु राणी को राजांकर एसबु कथा भल लागु नथिला। राणी केबे व्रत करू नथिले कि कहारी को दान मध्य करू नथिले, तेणु से राजा को एसबु करबा को मना करू थिले। दिने राजा शिकार करबा पई बण को जाईथिले। राणी और दासी राजा महलरे थिले। सही समय रे गुरु बृहस्पति जने साधु बेसरे राजांकर दरबार को भिक्षा मागिबाकु आसिले। साधु जेतेबेले राणी को भिक्षा मागिले, राणी रागरे कहिले, मु ए दान ओ पुण्य शुणी शुणी विरक्त होई गलेनी, आपण एमिति किछि उपाय कहंतु जहाँ फळरे सबु धन नष्ट होइजिवो एवं मु आराम रे रही पारिबी। एहा शुणी साधु बेसधारी बृहस्पति कहिले, हे देवी, तुम्हें बड़ विचित्र, केहि कण धन ओ संतान पई दुखी हुए। जदि अधिक धन अछि ताहले कोनोसी शुभ कामरे धन लगाओ। कुमारी कन्यार विवाह कर, विद्यालय बगीचा निर्माण कर, जहाँफल तुम कूल वंशर ना हेब। साधुंर यही कथा शुणी राणी खुशी न हो साधु को कहले, मोर धनर आवश्यकता ना, क्या दान देवा और धन को संभालबार मोर समय नष्ट। यह शुणी साधु कहले, ताहले मुपरी कहूँ तुम्हें से हीपरी कर। गुरुवार दिन घर को गोबर लिपिब, निजर केश को धोई स्नान कर, राजा को क्षीर हेपाई कह, मंस मद खावा देव, लुगापटा धोबा घरे धोइब, एपरी सात गुरुवार कले तुमर धन नष्ट होइजिवो। एहा कहि बृहस्पति चलीगले। साधु कहिबा अनुसार राणी मात्र तीन गुरुवार एपरी करिबा परे राजांकर सबु धन संपत्ति नष्ट होइगला, एपरी कि खाइबा पई मध्य धन रहिला नाही। दिने राजा राणी को कहिले, आम पाखरे धन नाही, तेणु मु अन्य देश को जाउछि किछि काम करी धन रोजगार करिबी, कारण एठी निज राज्य रे काम कले प्रजा माने जानिबे। एहा कहि राजा अन्य देश को चली गले। राजा गला परे राणी और दासी माने दुख कष्ट रे चलिले। दिने राणी और दासी मानंकु सात दिन भोक उपसरे रहिबाकु पड़िला। राणी दासी को डाकी कहिले, तू पाख नगर को जीवु, सेठी मो भौणी रहुछि, ताठारु किछि धन मागी करि आनिबु, फळरे आमे किछि दिन चली परिबा। से दिन गुरुवार थिला। राणी का भौणी बृहस्पतिंकर कथा शुणुथला। दासी आसी राणी का कहिबा कथा कहिला, मात्र राणी कर भौणी व्रत शुणिबार एते मग्न थिला जे से दासी रा कथा किछि भी शुणी पारि नथिला। फळरे दासी रागरे फेरी जाई राणी को सब कथा कहिला। राणी सब शुणिबा परे निज भाग्य को निंदिले। एणे राणी का भौणी व्रत कथा शुणी सारिबा परे मने पड़िला दासी आसीथिला। पूजा सारिबा परे राणी का भौणी राणी का घर को आसी दासी आसीबार कारण पचारिला। राणी निज भौणी को सब कथा कहले एवं सात दिन हला से ओ दासी भुकिला थिबा कथा मध्य कहले। सब शुणी राणी का भौणी कहले, भगवान बृहस्पति समस्तिंक मनस्कामना पूरण करंती, तू देख तो घरे भी निश्चय किछि खाद्य शस्य थिबो। राणी को प्रथमे एसबु कथा विश्वास हला नाही, किंतु भौणी रा कथा रखी से दासी को घर भितर को पठाइले। घर भितर शस्य भरा एक हांडी मिलिला। एहा देखि राणी ओ दासी आश्चर्य होइगले। दासी राणी को कहला, राणी आमे सात दिन हला खाइबा को न पाई उपास रे रही व्रत ही तो रखुथिले, भगवान का आशीर्वाद रु शस्यपूर्ण हांडी घर मिलिला, तेणु तुम्हें भी सही व्रत कर जहाद्वारा आमको धन प्राप्ति हेब। राणी का भौणी कहला, गुरुवार दिन चना डाली और हलदिया मिठाई भगवान विष्णु को कदली गच्छ मूल रे पूजा करिब, दीप जलाई भगवान कथा शुणिम एवं कथा शेष हबा परे आरती करिब एवं सही हलदिया खाद्य ही भोजन करिब। एपरी कले भगवान विष्णु प्रसन्न हेबे ओ घर धन संपत्ति रे भरी जीव। सात दिन पर जेबे गुरुवार आसिला, राणी और दासी व्रत रखिले। चणा और गुड़ आनी कदली मूल रे भगवान विष्णु को पूजा कले, मात्र भोजन पाई हलदिया खाद्य केउठु आनिबे एहा भाबी दुखरे थिले। राणी व्रत रखिथिबार बृहस्पति प्रसन्न थिले, तेणु से राणी को दुख देखि जने साधारण मनुष्य रूप धारण करि हलदिया खाद्य आनी दासी को देइगले। एहा देखि राणी और दासी खुशी होई से खाद्य ग्रहण कले। एहा परठारु राणी प्रति गुरुवार एही व्रत करिबाकु लागिले। बृहस्पतिंक दयारु पुणी धन संपत्ति रे राजा घर परिपूर्ण होइगला। धन संपत्ति देखि राणी पूर्वपरि अलसुआ होई कौनसी काम कले नाही ओ धन को बेखातेरी कले। एहा देखि दासी राणी को कहिला, जेउं धन पई एते बड़ अभावरु आमे उद्धार पाइले सेही धन को आपण बेखातेरी करुछंदी, सेही धन को जनमंगल कार्य रे लगाइबा उचित, भोकिला को खाद्य देवा उचित, कौनसी भल काम रे धन लगाइले निजर कुल ओ वंशर सम्मान बढ़िब एवं स्वर्ग प्राप्ति हेब। दासीर कथार राणीकर चेतना पशिला, से शुभ कार्य रे धन खर्च कले, फळरे राणीकर जस चारियाडे व्यापी गला। सेपटे राजा अन्य देश को जाई जंगल रु काठ हाणी
ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସୈନିକ ରାଜାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପାଖରେ ହାଜର କରାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଜାଣିଲେ ଯେ କାଠରିଆ ଜଣେ ରାଜା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କଲେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାରୁ ସେହିଦିନ ରାଜମହଲରୁ ରାଣୀଙ୍କର ରତ୍ନହାର ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଭାବିଲେ ଅଭାବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ଏ ହାର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ରାଗିଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜେଲ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତି ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କର, ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ତୋ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ମୋର ପୂଜା କର। ରାଜା ଉଠି ଦେଖିଲେ ସତରେ ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ବନ୍ଦୀ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛି। ରାଜା ଗୁଡ଼ ଓ ଚଣା ହାତରେ ଧରି ବ୍ରତ ପୂଜା କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲା, ଫଳରେ ରାଣୀଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ରତ୍ନହାର ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଦେଶର ରାଜା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ବନ୍ଦୀ କରିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ସହ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଠାଇଲେ। ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଶବକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ସେମାନେ ମନା କରିବାରୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ବ୍ରତ କଥା ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଟି ଉଠି ବସିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କଥାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦାସୀ ଦୂରରୁ ରାଜା ଆସୁଥିବା ଦେଖି ରାଣୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କଥାର ମହାତ୍ମ୍ୟରୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିଲେ ଓ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ, ଜୟ ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନ।